बीजेपी कितना बड़ा रैकेट चला रही है इसका कोई अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। कुछ दिन पहले निर्मला सीतारमण पर, जेपी नड्डा पर चंदा वसूली का आरोप लगा। अब मोदी के सबसे चहीते फेवरेट कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी और उनके परिवार पर बीजेपी से टिकट दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए वसूलने का मामला कोर्ट पहुंच गया है और सीधा ये केस कोर्ट पहुंचते ही मामला बिगड़ गया है। मतलब पैसे और धंधे का खेल हर लेवल पर बीजेपी में जारी है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी ये लगातार कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब ऐसे में जब उनके करीबी नेता, उनके खुद के कैबिनेट मंत्री खुद पैसों के बदले दूसरों को चुनाव में टिकट दिला रहे हो तो सोचिए कि उनकी अपनी ही पार्टी में भ्रष्टाचार किस लेवल पर चल रहा है। इसे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि बीजेपी के अंदर एक खतरनाक खेल चल रहा है, पैसे लेकर के टिकट देने का खेल। ऐसा लग रहा है कि ये खेल बीजेपी के अंदर और बाहर दोनों तरफ है। अंदर इन बड़े नेताओं की निगरानी में ये खेल चल रहा है जिसमें नेता, कार्यकर्ता, यहां तक कि मंत्री जी भी शामिल हैं। केंद्रीय नवीन और नवीकरण मंत्री, ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, जो मोदी के करीबी माने जाते हैं, उन पर आरोप लगा, उनके परिवार पर आरोप लगा। भाई गोपाल जोशी, बहन विजय लक्ष्मी जोशी और भतीजे अजय जोशी के खिलाफ पैसे के बदले, पैसा लेकर के बीजेपी की तरफ से टिकट दिलाने के मामले में बैंगलोर की कोर्ट ने केस दर्ज कर लिया है। अब इस पर सुनवाई होगी। आरोप है कि इन्होंने बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव में टिकट दिलाने के लिए जेडीएस के पूर्व एमएलए देवानंद फूल सिंह चौहान की पत्नी सुनीता चौहान से 2.5 करोड़ रुपए लिए थे। इस एफआईआर में जातिगत गाली देने के लिए एससी एसटी यानी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। पैसों के बदले चुनाव में टिकट देती है बीजेपी, इसमें नेता मंत्री भी शामिल हैं। एफआईआर के हिसाब से गोपाल जोशी ने जाकर के चौहान और उनकी पत्नी के साथ मुलाकात की थी और बीजेपी की ओर से लोकसभा टिकट दिलाने की बात की थी। इस ऑफर को चौहान और उनकी पत्नी ने पहले तो रिजेक्ट कर दिया था, फिर गोपाल जोशी ने टिकट दिलाने की बात लगातार वो करते रहे। उन्हें इंस्टॉलमेंट में पैसा उनसे लिया गया पर वो इनको बीजेपी की तरफ से लोकसभा में टिकट नहीं दिला पाए और पैसे भी नहीं लौटाए, 2.5 करोड़ रुपए। गोपाल जोशी के बेटे अजय जोशी ने भी इस लेनदेन के दौरान लगातार उन्हें यह तसल्ली दिलाई थी कि उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट दिया जाएगा। सोचिए परिवार में, खुद कैबिनेट मंत्री के परिवार में क्या कुछ चल रहा है। मतलब सोचिए बीजेपी में किस प्रकार से खेल चल रहा है। खुद मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री और उनके परिवार इस तरह की हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनीता ने आगे आरोप लगाया, जिन्हें टिकट देने की बात हुई थी, कि 1 अगस्त को पैसे मांगने विजय लक्ष्मी घर आई थी, उनके साथ मारपीट की थी और जाति आधारित गालियां दी जा रही थी। मतलब पैसा मांगने के लिए खुद प्रहलाद जोशी के भाई की पति वहां पत्नी पहुंची थी। सुनीता ने यह कहा कि शेखर नायक नाम के एक आदमी ने उन्हें और उनके पति को गोपाल जोशी से मिलवाया था। वो उन्हें गोपाल जोशी से मिलने के लिए, अब कह सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह काफी दूर ले गए थे। फिर वो लोग प्रहलाद जोशी के दफ्तर में भी गए थे। गोपाल जोशी ने अपने भाई प्रहलाद जोशी के बीजेपी में दबदबा और उनकी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी रिश्ते का हवाला देते हुए उनसे टिकट के बदले 5 करोड़ रुपए तैयार रखने के लिए कहा था। मतलब वसूली का भी एक लेवल होता है, किस तरीके से वसूली की जा रही थी। विजय लक्ष्मी जोशी, जो उनके भाई के पत्नी है, उनको कर्जा लेकर के 25 लाख रुपए दिए थे और सिक्योरिटी के तौर पर 5 करोड़ का चेक भी उनको दिया गया था। गोपाल जोशी ने कथित तौर पर सुनीता की मौजूदगी में अमित शाह के सचिव को फोन करके आश्वासन दिया था कि सब कुछ ठीक है। खुद भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर की परिवार में यह सब कुछ हो रहा है, पर जब उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पैसे लौटाने की बात कही। इस पर गोपाल जोशी ने 5 करोड़ का चेक तो वापस कर दिया पर 25 लाख ये कहते हुए नहीं दिए कि सरकार के साथ उनके 200 करोड़ के बिल्स सरकार के पास लंबित हैं। और इसके बाद 1 करोड़ 75 लाख
अरेंज करने की बात कही और कहा कि वो 20 दिन के भीतर ये पैसा लौटा देंगे। लेकिन अभी तक ये पैसा, मतलब 2 करोड़ का चेक, तो 5 करोड़ का चेक तो उन्होंने दे दिया, लेकिन उस चेक को अभी तक सुनीता और उनके पति को डालने के लिए मना किया गया था कि आप इसे बैंक में मत डालिए क्योंकि पैसा अकाउंट में है नहीं, कुछ दिन बाद पैसा आ जाएगा और हम आपको कैश दे देंगे। दोस्तों, ये पूरा का पूरा मामला प्रहलाद जोशी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके घर पर हो रहा है, उनके दफ्तर में बैठकर हो रहा है और इस पर भारतीय जनता पार्टी खामोश नजर आ रही है। ये केस अब पुलिस और पुलिस से सीधा बैंगलोर कोर्ट पहुंच गया है। अब इस पर जज क्या फैसला लेते हैं ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की हरकतें की जाती हैं, उनके परिवार में ये सब होता है। जेडीएस और बीजेपी कर्नाटक में गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा, 28 में से 19 सीटें जीती। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैंगलोर के गांधी भवन में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन इस खबर पर कहीं ना कहीं पर्दा डाल दिया गया। प्रहलाद जोशी को मंत्री पद से, कैबिनेट मिनिस्ट्री से हटाया जाए, इसकी मांग भी कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, सिद्धारमैया पर जो मर्डर केस है, जो घोटाला है, जो आरोप उन पर लगा है जमीन घोटाले का, उसके चलते ईडी जो है उन पर कार्रवाई कर रही है। ईडी के शिकंजे में कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कर्नाटक में किस तरीके से, बैंगलोर में किस तरीके से प्रहलाद जोशी के भाई गोपाल जोशी और उनकी बहन विजय लक्ष्मी जोशी भतीजे, किस तरीके से पूरा का पूरा जोशी परिवार किस तरीके से वहां के आवाम को तो नहीं कह सकते, आम जनता को टिकट देने का वादा नहीं किया, जेडीएस से मंत्री रहे ऐसे एक परिवार को टिकट दिलाने पर उन्होंने जोर दिया, उनसे पैसा वसूली करी, 5 करोड़ रुपए टिकट देने के बदले में उन्होंने लिया, जिसे अब वो लौटा तक नहीं पा रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री नहीं, उनके परिवार वाले भी इसका पूरा दुरुपयोग, जिस पद पर, जिस संवैधानिक पद पर उनके घर वाले शायद मंत्री पद पर बैठे हैं, शायद किसी मिनिस्ट्री में बैठे हैं, तो उस पद का दुरुपयोग उनके घर वाले तक करते हैं। दरअसल ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पैसों के बदले धंधा करती है, और ये धंधा सिर्फ अडानी अंबानी तक सीमित नहीं है, ये धंधा उनके परिवार के अंदर तक पहुंचा है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? प्रहलाद जोशी और उनके परिवार पर अभी कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट में केस रजिस्टर हो चुका है, लेकिन इस खबर को आपसे छिपाने का काम किया गया, किस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर के परिवार वालों ने उनका नाम इस्तेमाल करके, मंत्री जी का दफ्तर इस्तेमाल करके अमित शाह के करीबियों को दिल्ली में फोन लगाया और साथ ही साथ वादा किया, 5 करोड़ के बदले चुनाव में टिकट देने का वादा किया, जबरन पैसा वसूली करी और अब वो पैसा वो लौटा भी नहीं रहे और साथ ही साथ वो टिकट भी नहीं दे पाए। आम जनता के बीच जिस नेता की वर्चस्व है, जिस नेता को हर कोई पसंद करता है, जो शायद जनता के लिए काम करेगा, ऐसे नेताओं को नहीं चुना जाता भारतीय जनता पार्टी में। उन नेताओं को चुना जाता है जो अच्छी खासी रकम देकर कुर्सी या पद को खरीदने की ताकत रखते हैं। फिलहाल इस पूरी की पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, जिस रिपोर्ट को आपसे छिपाने का काम किया गया है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देशनीति आप तक पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप देशनीति पर भरोसा रखते हैं, आप प्यार करते हैं देशनीति से, तभी हम ऐसी खबरें बेबाक और बेखौफ तरीके से आप तक पहुंचा पाते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।